नमस्कार, सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और शुरुआती रुझानों में भाजपा के दिख रही है। एमपी में भी भाजपा के, राजस्थान में भी भाजपा के चले, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने कमाल कर दिखाया। जबकि ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं उसमें अब ये दिख रहा है कि भाजपा कांग्रेस से आगे निकल रही है। 10 बजे का ये आंकड़ा है, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा 38 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि पाटन सीट से, जो कि जहां पर सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी सीट से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और उनके जो भतीजे विजय बघेल है, जिसे भाजपा ने मैदान उतारा है, विजय बघेल जो है भूपेश बघेल से आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपनी सीट से पीछे होना एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल में दिख रहा था वैसा अभी तक शुरुआती रुझान में नहीं दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस को लगातार टक्कर दे रही, कई बार भाजपा जो है वो कांग्रेस से भी आगे निकल जा रही है। और शुरुआती रुझान में ये बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मामला टफ है। और यहां पर अभी जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि भूपेश बघेल अपनी सीट पाटन सीट से पीछे चल रहे हैं, विजय बघेल जो उनके भतीजे हैं वो आगे चल रहे हैं। वही अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी भाजपा आ गए, राजस्थान में भी भाजपा आ गए। राजस्थान का बड़ा अपडेट है कि टोंक सीट जहां से कि सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर सचिन पायलट भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज देखिए तो भाजपा के लिए एक बड़ा दिन है। एमपी की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा जो इलाका है, जो कमलनाथ का गढ़ है, जो एमपी का पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है, जहां पे नकुलनाथ सांसद है, कमलनाथ जहां से विधायक है, उस इलाके में भाजपा जो है वो लीड कर रही है। जब हम छिंदवाड़ा गए थे तो वहां की जनता ने कहा था कि देखिए इस बार हालात ऐसे होंगे कि हम छिंदवाड़ा को अमेठी बना देंगे, और हम डटे हुए हैं, काम लगातार कर रहे हैं। और वो जो है, जो जनता ने वहां के कई लोगों ने जो दावा किया था वो आज की तस्वीर में दिख भी रही है। भले ही फाइनल रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन शुरुआती रुझान में छिंदवाड़ा के अंदर भाजपा लीड कर रही है। भूपेश बघेल अपने पाटन सीट से पीछे चल रहे, जो कि एक बड़ा अपडेट है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि करीब 10:10 के आसपास का ये आंकड़ा है। ये आंकड़े बदल सकते हैं, ये तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार एमपी सिटी राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। और आप तेज चुनावी नतीजों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।